सभी दर्शकों को नमस्कार। हिंदुस्तान न्यूज टुडे में आपका स्वागत है। बड़ी खबर बता रहे अलवर से है। कहते हैं कि डॉक्टर धरती पर भगवान का दूसरा रूप होता है, जो मरते मरते मरीज को बचाकर नया जीवन देता है। लेकिन अलवर जिले के जनाना हॉस्पिटल में एक अजीब और गरीब मामला सामने आया, जहां नवजात बच्चे को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर उसका डेथ सर्टिफिकेट भी बनाकर तैयार कर दिया। अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता अलवर से जुड़ रहे हैं गिरिराज प्रसाद सोलंकी जी, फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, पूरी जानकारी बताएंगे विस्तार से। सोलंकी जी, कैसे क्या मामला हुआ ये अलवर में? आए दिन घटनाएं भी बढ़ रही हैं, कभी हॉस्पिटल में, कभी किसी डिपार्टमेंट में, कभी किसी डिपार्टमेंट में, ये चल क्या रहा है अलवर जिले में? अरुण जी, मैं आपको बताना चाहूंगा अलवर जिले में जी, कहने को तो ये आते हैं जो डॉक्टर होते हैं धरती पर दूसरा रूप भगवान का होता है। जी जी, पर अब हमें ये लग रहा है कि भगवान यहाँ अलवर जिले के अंदर लापरवाह हुए हैं। जी, इनकी लापरवाही बराबर सामने देखने को मिल रही है। जी, कि अलवर जिले के ही जनाना हॉस्पिटल में जी एक अजीब और गरीब मामला सामने देखने को मिला है। जी, यहाँ पर एक बच्ची को जी मृत घोषित करके उसका डेथ सर्टिफिकेट भी बनाकर उसके पिता को थमा दिया है। जी जी, पिता को जब ये सब रात नहीं आया जी, तो उसने अलवर के ही किसी हॉस्पिटल में वहाँ बच्ची को ले जा करके जी और डॉक्टरों से एडमिट करते हुए परामर्श दिया। जी, डॉक्टरों ने बताया, बच्ची के पिता रवि ने बताया कि अपनी पत्नी को 15 जून को अलवर के जनाना अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों के कहने पर अल्ट्रासाउंड कराया, जिस पर चिकित्सकों ने कहा कि बच्ची पूर्णतः स्वस्थ है। जी, वही आज सुबह जब लगभग 4 बजे जी उसकी पत्नी को फोन आया कि बच्ची जी बच्ची बड़ी पैदा हुई है, जिस पर वह अपने गांव अलवर के लिए रवाना हो गया। जी, और नवजात पिता ने बताया कि लगभग डिलीवरी 5 से 7 माह की है, चिकित्सकों ने लापरवाही बरते हुए बच्ची को मृत घोषित कर दिया। जी, लेकिन बच्ची अभी भी जिंदा है और भगवान का रूप कहलाने वाले चिकित्सकों की बड़ी लापरवाही सामने देखने को मिली है। उन्होंने बच्ची का मृत्यु प्रमाण पत्र में तैयार कर दिया हुआ है। बच्ची के पिता ने आरोप लगाया कि चिकित्सकों द्वारा उसकी पत्नी को यह भी लिखवा दिया है कि बच्चा मृत पैदा हुआ है। ये क्या ऐसे है? जी, उन्होंने बच्चा मृत पैदा होने के लिखवाने के पश्चात उन्होंने एक सिटी हॉस्पिटल के अंदर जी बच्ची को अल्ट्रासाउंड कराकर उससे दिखाया, तो उन्होंने बताया कि बच्ची एकदम स्वस्थ है और सही है। जी सोलंकी जी, कोई हॉस्पिटल के अंदर इस तरह की लापरवाही क्यों, और प्राइवेट हॉस्पिटलों के अंदर उस बच्ची को जीवित बताया, सरकारी में मृत बताया, ये सब कुछ मामला सामने अलवर में आया। जी जी सोलंकी जी, चल क्या रहा है अलवर में? कभी तो सरकारी डॉक्टरों की लापरवाही आती है, कभी किसी डिपार्टमेंट की लापरवाही सामने आती है, ये चल क्या रहा है अलवर में? प्रशासन उप उच्च अधिकारी क्या कर रहे हैं वहाँ पर? अभी तक इस डॉक्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है? अभी तक इस डॉक्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है और अलवर का प्रशासन बिल्कुल लापरवाह बना हुआ है। ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये डॉक्टर जो भगवान का रूप कहलाने वाले, भगवान नहीं, भगवान के नाम पर ये शैतान बने बैठे हैं जी, और इन्हें एक इंसान की जी जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और ऐसे में जीवित व्यक्ति को कैसे मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया गया है, ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल इनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए कड़ी से कड़ी सजा इनके खिलाफ होनी चाहिए। अभी हाल में कुछ दिन पहले ही जी जो गाड़ी है 108 उसमें चलते समय ऑक्सीजन के अभाव में, ऑक्सीजन का सिलेंडर उसमें नहीं रखा और ऑक्सीजन के अभाव में मरीज ने दम तोड़ा। जी, अगर उसमें ऑक्सीजन होता जी तो मरीज क्यों दम तोड़ता? बिल्कुल, तो बराबर इनकी लापरवाही बनती आ रही है और जीवन के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं, आम जन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं,
तो ऐसे लापरवाह डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अलवर प्रशासन बिल्कुल इसमें लापरवाह बना हुआ है। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद सोलंकी जी, तमाम जानकारी देने के लिए। खबर पर नजर बनाए रखना, आगे क्या कार्रवाई होती है क्या नहीं होती, प्रशासनिक अधिकारी कोई कार्रवाई करते हैं नहीं करते हैं। जी अरुण जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। देखते रहिए हिंदुस्तान न्यूज टुडे। सभी दर्शकों को नमस्कार। नारथला गांव शेरपुर नौगावा के पास में पड़ता है। मैंने मेरी घरवाली को 15 तारीख को यहाँ पर एडमिट कराया था। किस हॉस्पिटल? इस सरकारी हॉस्पिटल जनाना हॉस्पिटल। तो सब वहाँ पे उसका अल्ट्रासाउंड कराया था। कल मेरे को बताया कि बच्चा सही है, स्वस्थ है। और सुबह मेरे पास 4 बजे कॉल आया घरवाली का, उसने कही बच्ची मरी हुई लड़की हुई है। तो सब मैं वहाँ से फिर चला, तो उसने कही बच्ची को आप ले जाना। तो सुबह फिर उसका मैं फ़ोन आया था, मैं रामगढ़ से आ गया तब उसने कॉल किया कि बच्ची जिंदी है। तो मैंने कि आप तो मरी हुई बता रही, क्योंकि डॉक्टर ने हमसे लिखवाया है। कितने महीने की बच्ची पैदा हुई? करीब 5-6 महीने की बता रहे हैं। 5 महीने की पैदा हुई जी।